हेलो एवरी वन सो वेलकम बैक टू माई चैनल टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी माई दिवाली व्लॉग दैट हाउ आई सेलिब्रेटेड दिवाली एंड वॉट आर द प्रेपरेशन्स दैट आई डि बिफोर दिवाली नाइट सो सबसे पहले मैंने बाहर जो आपको रंगोली दिखाई वो मैंने एक छोटी सी रंगोली बना दी थी ऐसे ही मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बनाना है उसके बाद में जहाँ हमें मेन दिवाली पूजन करना था उसका मैंने सेटअप लगाना स्टार्ट किया ये सब काम मैंने दिन में ही निपटा लिए थे ताकि रात को जब पूजन का टाइम हो तब मैं बिल्कुल फ्री रहूँ तो यहाँ पर मेरे पास इस तरीके का मैंने कार्डबोर्ड का बेस बना लिया है और उस पर अपने चांदी के ये लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को बिठा दिया है आ, आसन लगा के उसके बाद में जितने भी दिवाली के दिए वगैरह थे वो मैंने एक थाली में सजा के उनके सामने रख दिए और पूजा में जो दिया पूरी रात भर जलने वाला है वो बड़ा सा दिया भी मैंने सामने रख दिया था फिर उसके बाद में यहाँ पे जस्ट कार्डबोर्ड के आगे ये प्यारी सी रंगोली और इसी के बाद इसके आगे मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लक्ष्मी जी के पैर फिर जो भी रिमेनिंग आइटम्स थे जो कि मुझे मंदिर सेटअप में लगाने थे वो सारे आइटम्स मैं यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर रही हूँ थोड़ी डिटेलिंग्स ऐड करने के लिए उनके पोस्टर के साइड में मैं इस तरीके के स्टिकर दियाज लगा रही हूँ उसके नीचे मैं शुभ लाभ के स्टिकर्स भी लगा रही हूँ और मैं कुछ ऐसे ही डिटेलिंग्स ऐड करने के लिए छोटे मोटे स्टिकर्स लाई थी लक्ष्मी जी के पैर कलश दिया एंड ऑल तो वो सारे मैं यहाँ पे ना जो पूजा वाली वॉल है उस पर डेकोरेट कर रही हूँ ये सारे काम निपटाने के बाद ना मंदिर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था ये मेरी मेन वॉल है जहाँ पे मैंने ये आर्टिफिशियल फूलों की माला और लाइट्स लगाई थी फाइनल सेटअप जो मंदिर का था वो पूरा रेडी होने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा था फिर मेरे पास जो यहाँ पे स्टडी टेबल है उसमें मैंने ये वाला दिया सेट करके दो डॉल्स को सेट कर दिया और जो मेरे पास में सेंटर टेबल है उसमें मैंने कांच का बाउल रख के उसको पानी से फिल करके उसमें रंगोली कलर्स स्प्रेड कर दिए ये आइडिया एक्चुअली मैंने यूट्यूब से ही देखा था किसी दूसरे यूट्यूबर का उसमें मैंने बीच में फ्लोटिंग कैंडल लगा दी और इसी तरीके से मैंने साइड में ना फूल जो होते हैं मेरे पास में जितने भी बिखरे हुए फूल थे उन सबको स्प्रेड किया और इसके चारों साइड में ना अच्छे से फैला दिया फिर मेरे पास में ये कैंडल दियाज थे उनको मैंने एक एक करके इसके चारों साइड्स पे लगा दिया इसका भी लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था लेकिन फिर मुझे ना ये टेबल क्लॉथ पसंद नहीं आ रहा था तो थोड़ी देर बाद ना मैंने ये टेबल क्लॉथ निकाल दिया था पर इसकी मैं फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाई थी सो चलिए रेडी होते हैं दिवाली पूजन की नाइट के लिए तो मैं पहन रही हूँ ये कलर की साड़ी ये मैंने लोकली शॉप से परचेज़ करी थी इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है इसको मैं स्टाइल करने वाली हूँ अपने गोल्ड ईयर से और मैचिंग बैंगल से तो साड़ी पहनने में मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ बट स्टिल आई एम ट्राइंग ये जॉर्जेट की साड़ी है तो इसको थोड़ा सा सेट करना डिफ़िकल्ट है बिकॉज ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा फिसल रही थी बट स्टिल समहााव आई मैनेज सेफ्टी पिंस की हेल्प की वजह से तो ये साड़ी अच्छे से एडजस्ट हो गई थी उसके बाद में आई डिड ऑल माई मेकअप जो भी मुझे करना था मैं मेकअप वीडियो शूट नहीं कर पाई इतना टाइम नहीं था बट स्टिल आई एम शोइंग टू यू कि मेरा मेकअप लुक जो था वो कम्प्लीट होने के बाद में कैसा लग रहा था हेयर आई एम ट्राइंग टू मैच दीज गोल्ड ईयर रिंग्स विद माई लुक हाँ लेकिन अच्छा लग रहा है सो आई डिसाइडेड कि मैं यही पहनूंगी मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहन रही हूँ मैचिंग की सो दिस वॉज़ माई फाइनल लुक आफ्टर गेटिंग रेडी सो so, इसके बाद मैं जस्ट फ़ोटो क्लिक्स करना स्टार्ट हो गए थे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन सी अमेजिंग फोटोज़ क्लिक करवाई तो फ्रेंड्स ये था मेरा फाइनल लुक आफ्टर गेटिंग रेडी उसके बाद हम लोगों ने जो भी ये पूजन होता है लक्ष्मी पूजन जो भी अच्छे से पंद्रह बीस मिनट की पूजा करी थी वो वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको उसके बाद हम लोग सब बाहर आ गए थे दिया लगाने के लिए तो मेरी जो भी ये बालकनी है उसके मैंने चारों साइड में दिए लगाए थे और जो ये मेरा घर है पूरा यहाँ पे घर के हर एक कोने में मैं दिए लगाना स्टार्ट हो गई थी तो जहाँ जहाँ भी मैंने दिए लगाए वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक करवाई वो सब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे सो दिस वॉज हाउ आई सेलिब्रेटेड दिवाली इसके बाद हम लोग जितना भी मतलब हमने लगभग दस बजे तक ना क्रैकर्स वगैरह बस्ट किए ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कम क्योंकि किट्टू डरने लग गया था तो हमने बहुत कम क्वांटिटी में क्रैकर्स बर्स्ट किए थे फिर उसके बाद में जो भी मतलब खाली जगह रहती है मतलब दिए में अगर तेल ख़त्म हो गया तो मैंने और दिए जला दिए तो इस तरीके से वी सेलिब्रेटेड दिवाली दिस ईयर लगभग दस ग्यारह बजे तक यही प्रोग्राम चलता रहा जो भी मोमेंट हमें मिल रहा था हम उसमें फ़ोटोज़ क्लिक करवाते जा रहे थे सो और लास्ट में जो भी मिठाई और गिफ्ट हमें रिसीव हुए थे किट टू इज़ सो एक्साइटेड टू ओपन दिस है उसे लग रहा है कि इसके अंदर क्या है मुझे जल्दी से खोल के दिखाओ आई वॉन्ट टू ईट समथिंग कह रहा है जल्दी खोलो जल्दी खोलो सो दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड दिवाली और हमारी इस बार की दिवाली बहुत अच्छी रही आई होप आप लोगों ने भी दिवाली का जो फेस्टिवल है वो बहुत इंजॉय किया होगा